अरे पावर्स एंड एक्सपोनेंट, ठीक है, जिसमें हम ये देखेंगे कि सबसे पहले ये जो दो वर्ड्स है पावर्स एंड एक्सपोनेंट, ये होता क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि पावर क्या होता है। जैसे देखो, अगर मैं 5 + 5 + 5 अगर मैं करता हूँ तो ये क्या है, ये है 15, यानी 5 ही 5 तीन बार ऐड हुआ है। इसका मतलब हम ये बोल सकते 5 × 3 दैट इज 15, है ना। लेकिन अगर मैं इसी को 5 × 5 × 5 करता हूँ तो इसको हम, इसका आंसर है हो रहा कितना है, 125 हो रहा है, 5 × 25 = 25, 5 × 125। लेकिन यहाँ हो रहा था 5 + 5 + 5 जो कि 5 3 times है, यहाँ पर 5 3 times है लेकिन 5 5 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसीलिए हम इसको लिखेंगे 5 to the power 3 और जो होता है 125। अब यहाँ पर जो एक चीज आई जो है 5 to the power 3, जिसे हमने अभी कहा, तो इसमें जब हम इसको पढ़ रहे थे तब हमने इसको पढ़ा 5 to the power 3, इसका मतलब ये है यहाँ पावर। ठीक है, तो ये जो चीज है इसको बोला जाता है पावर, और इसके नीचे ये जो नंबर है 5 इसको बोला जाता है बेस। ठीक है, अब ये जो नंबर है ऊपर का 3 इसको पावर भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये जो नंबर है 3 जो पावर के तौर पे लिखा जाता है उसको पावर भी बोला जाता है, एक्सपोनेंट भी बोला जाता है, और जो नीचे वाला नंबर होता है उसे हम बेस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें इसका मतलब क्या है, इसको ऐसा क्यों लिखा जाता है, और ऐसा अगर हम लिखते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग ये होता है जो सेम हमने ऊपर लिखे कि 5 जो नंबर है जो बेस है वो अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई होगा। ऐसा क्यों, बिकॉज इट इज रेस विद द पावर 3। तो अगर यहां पर अगर हम देखेंगे जो पावर रहेगा, अगर ये पावर 4 होता तो 5 अपने आप से मल्टीप्लाई होगा 4 times, कितने टाइम्स, 4 times मल्टीप्लाई होगा। तो ये है पावर का मीनिंग। अब उसके बाद इसका आंसर क्या आएगा, तो अगर हम 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा डेफिनेटली 125, और 5 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 times मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 625, राइट। 5 × 25, 25 × 125, 125 × 625। तो ये है बेसिक मीनिंग अगर पावर आपको वीडियो पसंद का। आई हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।